तो भाई हम पहुंच गए हैं बहुत ही खूबसूरत कॉलेज, पूरा रेड बिल्डिंग, एंड ये है इनकी वॉल ऑफ फेम। यहाँ पे आप शाहरुख खान एंड अदर जो फेमस एलुमनीज हैं उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। एंड ये हैं हमारे साथी वरुण, जो अभी हंसराज में पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से कोर्स में आप? जूलॉजी ऑनर्स, फर्स्ट ईयर में हूँ। और सी यू टी में कितने मार्क्स आपने स्कोर किए थे? मेरा स्कोर था 514 out of 600। अच्छा, तो अभी वरुण के साथ अपन बैठ के डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार जो 540 इन्होंने स्कोर किया था सी यू टी में, इनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी ताकि आप भी यार इस खूबसूरत कॉलेज में आकर के पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ अपन थोड़ा सा ना हंसराज के बारे में भी जानेंगे कि हंसराज का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरी जगह पे एंड बात करते हैं वरुण से। तो वरुण, अपन सी यू टी की बात करें ना, उससे पहले थोड़ा सा यार तुम्हारा कॉलेज बहुत सुंदर लग रहा है। मैं भी बहुत आता था, मतलब अपने ग्रेजुएशन के टाइम में रामजस में पढ़ता था, पर बहुत आता था यहाँ पे दोस्तों के साथ। तो थोड़ा सा यहाँ के माहौल के बारे में बताओ कि कॉलेज का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, क्राउड कैसा है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। लाइक मैं तो प्राइमरीली दिल्ली से ही हूँ, लेकिन हर स्टेट से यहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। तो अलग अलग लोगों से उनके कल्चर सीखने को मिलता है, तो माहौल बहुत बढ़िया है। हर तरफ देखो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, हम देख ही सकते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी तरह का इशू हो, अकेडमिक या नॉन अकेडमिक भी हो, लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, उसके लिए भी काउंसिल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कॉलेज है तो टीचर्स ऐसे ही हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। नहीं, अच्छा कॉलेज है, बेस्ट है, कनेक्शन बना के रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर लगभग आपको अब एक साल हो गया है, तो सुनने में आता है कि जो नॉर्थ कैंपस में जाता है वो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? हाँ, वो होता है। लाइक कॉलेज से पहले मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट रहता था, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। अब चार नए लोगों से बात कर रहा हूँ तो धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट बन रहा हूँ, और जब चार साल पूरे होंगे तो मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ये तो होना ही होना है। तो मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ के, बहुत मज़ा आ रहा है। सो वरुण, हम आगे बात करें कॉलेज लाइफ के बारे में, लास्ट में थोड़ा सा और जानेंगे कॉलेज लाइफ के बारे में। उससे पहले बच्चों की यार बहुत क्वेरी है कि सी यू टी में कैसे पढ़ाई करें, और बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड्स की कैसे पढ़ाई करें ताकि इतने ब्यूटीफुल कॉलेज में पहुंच पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद योर बोर्ड्स। तो बोर्ड्स पे आपने अभी, मतलब बच्चों का बोर्ड्स चल रहे होंगे जब हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे उस टाइम पे, तो इस दौरान आपने क्या चीज़ें जो थी वो की थी ताकि आपके बोर्ड्स में 96% जो है आपने स्कोर किए, तो थोड़ा सा उसके ऊपर आप लाइट डालिए कि कैसे आपने प्रिपेयर किया था। एक बोर्ड्स के लिए तो ऐसा था कि मैं पूरे साल से ही पढ़ रहा था, मेरे नोट्स वगैरह तैयार थे, तो इस टाइम पे सिर्फ मैं रिवीजन कर रहा था, सैम्पल पेपर कर रहा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था, तो इस टाइम पे मेरे पे उतना स्ट्रेस नहीं था। अच्छा, उसके बाद आई सी यू टी के बारे में। नहीं, बोर्ड्स में अगर थोड़ा सा अपन जाने तो सैम्पल पेपर आपने किए, पर यार कई बच्चे होते हैं उनको यही नहीं पता कि सैम्पल पेपर हर कोई बोल देता है कि कर लो, कैसे किए थे आपने वो? मतलब पूरा टाइम देख के किए थे, बैठ के किए थे, बीच में छोड़ के किए थे, वो किस टाइप से किए थे? सैम्पल पेपर की जब प्रैक्टिस करें तब तो आपको एक पूरी सिटिंग ही लगानी पड़ेगी 3 घंटे के बैठ के, ताकि आपको ये पता चले कि आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, कोई छूट तो नहीं रहा। और फिर उसके बाद आपको खुद एनालिसिस भी करना होगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है या कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपके वीक हो रहे हैं। तो मतलब जब आपने पहली बार सैम्पल पेपर दिया हो तो याद करने की कोशिश करो कि आप टाइम पर कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। टाइम पे तो मेरा हो पा रहा था, बट कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैं अटक रहा था, तो फिर मैंने अलाइज किया कि ये चैप्टर मेरे वीक है, उनको फिर मैंने वन शॉट वगैरह से पढ़ा जहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट वीक लगे, और उसके बाद मैंने करा, तो धीरे धीरे मेरा स्कोर इंप्रूव होता गया। तो अराउंड कितने सैम्पल पेपर आपने लगाए होंगे बोर्ड से पहले? मैंने 10-12 टोटल सैम्पल पेपर करे थे हर एक सब्जेक्ट के। हाँ, हर एक सब्जेक्ट के 10 से 12 3-3 घंटे बैठ के आपने लिखे थे। एंड इंग्लिश की थोड़ा सा अलग से अपन देखते हैं, इंग्लिश की कुछ अलग स्ट्रेटजी थी या सेम थी? एक्चुअली मेरे पास PCMB थी, तो इंग्लिश मैथ भी था आपके पास? हाँ, मेरे पास मैथ्स भी था। बट आपने PCB की अच्छे से तैयारी की? नहीं, मैंने मैथ्स भी पढ़ा था। मैथ्स में कितने आए थे? मैथ्स में मेरे 94 थे। मतलब PCM और भी सब कुछ पढ़ा? हाँ हाँ। तो चल फिर, तो तू मैथ्स की भी बता दे और इंग्लिश की भी बता दे अलग से। हाँ, मैं वही कह रहा, इंग्लिश पे उतना मेरा फोकस नहीं था, इंग्लिश मेरी लैंग्वेज पे हमेशा मेरी कमांड थी, तो मेरे को उस पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने भी चैप्टर्स वगैरह थे वो अच्छे से कर लिए, किस तरह क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो देख लिए, सो इट वॉज चिल। इंग्लिश का तो ऐसे ही चला गया। हाँ, मैथ्स हलवा था इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश में तो कोई चक्कर नहीं। और लोगों से PCM नहीं होती तो उन्हें PCMB लेके भी 96% स्कोर कर लिया, और मैथ्स में भी 94। नहीं तो होता ही है कि एम और बी जो ले लेते हैं ना, फिर उनके एक ना एक में नंबर गिर जाते हैं बाद में। तो फिर दोनों को कैसे मैनेज किया?
सबको टाइम देना पड़ेगा इक्वली, लाइक फिजिक्स को भी इक्वल टाइम देना होगा, केमिस्ट्री को भी, बायो को भी और मैथ्स को भी. मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो आपको कंटिन्यूसली कम से कम बायो में रट्टा मारना है. बायो में एक तरह से रट्टा ही मारना होता है अगर जनरली मैं बोलूँ फ्रेंकली, तो हाँ. लेकिन मैथ्स में होता है आपको रोज रिवाइज करना पड़ेगा, मैथ्स में रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज एक कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, वरना आप चीज़ें भूल जाओगे. तो अगर हम बात करें ना कि भाई बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो रिवीजन प्लस सैम्पल पेपर लास्ट में यही करना है, भले ही सिलेबस थोड़ा सा छूट भी गया है ना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर जो है वो आपको अभी विद इन टाइम फ्रेम लगाने पड़ेंगे, तभी जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे. एंड चल थोड़ा उधर चलते हैं, दूसरा कॉलेज का भी पार्ट जो है दिखाते हैं बच्चों को. सो वरुण, अब अपन वापस आते हैं अपने हंसराज कॉलेज पे. तो आप हंसराज के कौन से कोर्स में हैं? जूलॉजी ऑनर्स. जूलॉजी ऑनर्स में हैं. आपका एडमिशन कितने मार्क्स में, कौन सी कैटेगरी में हुआ था? मेरी कैटेगरी जनरल थी, मेरा स्कोर था 514 था. शायद शुरू में मैंने 540 बोल दिया था, सो सॉरी फॉर देट. 514 में आपको हंसराज में जूलॉजी ऑनर्स मिल जाएगा. सो यहाँ पे साइंस वाले बच्चों को ना एक थोड़ी सी टेंशन होती है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट में एक बार फटाफट अपने PCM के मार्क्स बता दो कितने आए थे, PCB के सॉरी, जूलॉजी में. लाइक मेरा फिजिक्स में स्कोर था 142. परसेंटाइल कितनी थी? परसेंटाइल मेरी 98.78 ऐसी थी. मतलब इतने कम मार्क्स होने के बाद भी 99 के अराउंड पहुंच गए थे आप. और नेक्स्ट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में मेरा था 178. ठीक है. उसमें मेरी 99 समथिंग परसेंटाइल थी. और बायोलॉजी में 200 आफ्टर 200 था, उसमें 100 परसेंटाइल थी. मैथ्स नहीं दिया था आपने? मैथ्स नहीं दिया था. तो दैट मीन्स कि जब आप पेपर वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे थे तो इतने कम मार्क्स आए, तो कुछ क्वेश्चन आपने छोड़े भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड आते हैं. नहीं तो आपके 200 आउट ऑफ 200 आते ना, तो आपने छोड़े या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी? मेरे नेगेटिव मार्क्स में कटे थे, मैंने छोड़े नहीं, आपने फुल अटेम्प्ट किए थे. आप लोग यार देख सकते हो कि अगर आपके मार्क्स 150 के अराउंड भी आते हैं साइंस में, तो वो अच्छे मार्क्स होते हैं, तो आप मे बी लीव कर सकते हो क्वेश्चन को अगर हार्ड आते हैं. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों में कुछ क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो. तो ओवरऑल साइंस के बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, परसेंटाइल ऊपर ही रह जाती है. फिर भी साइंस कोर्सेज के लिए कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है, और तो कोई चिंता की बात नहीं. तू तैयारी कर रहा था, तेरे को डर नहीं लगता था कि मतलब होगा नहीं होगा? हाँ डर तो था, क्योंकि 540 जब मुझे स्कोर लगा तो मुझे लगा कि शायद ये नॉर्थ कैंपस में हो भी नहीं पाएगा. फिर जब पता चला हंसराज में हो गया तो आई वॉज शॉक्ड, और फिर बाद में मैं डाइजेस्ट करा कि हाँ हो गया है, और हो सकता है बाकियों का भी हो सकता है. और जब तू तैयारी कर रहा था उस टाइम की, और बता मतलब जब ये था कि यही नहीं पता CUET में आने क्या वाला है, एक अनसर्टेनिटी थी ना, उसको कैसे हैंडल किया? उस समय यही था कि मैं जो भी मेरा सिलेबस है उसी को मैं रिवाइज करता गया, क्योंकि पता ही नहीं था क्या होगा, तो अपनी तरफ से मैं जो कर सकता हूँ वो करा. डर नहीं लगा क्या? लग रहा था, लेकिन अब डर के मारे मैं बैठा रहता तो फिर कुछ नहीं कर पाता मैं. फिर अगर मैं डरता ही रहता शायद यहाँ आज पहुँच नहीं पाता. तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. करना तो पड़ेगा आपको. तो भाई डरते रहो, रोते रहो, पर करते रहो, मैं तो यही बोलूँगा. डर सबको लगता है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. तो मैं तो अपने घर का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा छोटा भाई था, वो रोता रहता था फिर भी मेरे को मारता रहता था. तो आप डरते रहो और पढ़ते रहो, उसमें डरने में कोई गलत बात नहीं है, सब डरते हैं, है ना? तू भी डरा था, मैं भी डरा था यार अपने, कोई बड़ी बात. तो वरुण यार, आपने बताया कि मॉक दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो मतलब बच्चों ने बहुत जगह सुना है, लेकिन असली चीज़ बताओ भाई, मॉक देने के बाद जो मॉक का एनालिसिस था वो कैसे करते थे आप? मैं ये ट्रैक करता था मेरे जो रॉन्ग आंसर्स हुए वो किस चैप्टर से हैं, तो मेरे को पता चला कि हाँ कुछ कुछ चैप्टर्स हैं मेरे वीक हैं, तो फिर मेरे को उनसे वन शॉट से रिवाइज करना पड़ा. फिर मैंने कई बार देखा कि मुझे असर्शन रीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैंने असर्शन रीजन के लिए अलग से प्रैक्टिस करी, और जो वीडियोस हैं जिसमें असर्शन रीजन कैसे उनको हैंडल करें उस तरह के मैंने वीडियोस देखे. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पिक्चर बेस्ड हो गया, मेरे को कुछ डायग्राम में प्रॉब्लम था, मेरे को डायग्राम समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पर अटक रहा था. तो ये सब एनालिसिस करना पड़ता है. अलग से नोटबुक बनाई, मैंने एक दो इंटरव्यू और लिए, वो तो बोलते हैं कि अलग से नोटबुक बना के मैं क्वेश्चंस को लिख लेता था जो गलत. नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे को पता चल जाता था कि चैप्टर मेरा कौन सा वीक है, फिर मैं उसी पे काम करता था. वीक वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते थे आप. और बात करें अगर हम इंग्लिश की, चलो बाकी तो आपके पास हैं, आपके क्लास 12th वाले ही आता है सब कुछ, मतलब सिलेबस तो वही 12th वाला ही आता होगा. हाँ सेम सेम ना, जो डोमेन्स में है. लेवल क्या है मतलब क्वेश्चन की डिफिकल्टी का CUET के अंदर? इजी है, जो आपका बोर्ड्स का आएगा वही आपका CUET का. नीट से कितना ऊपर नीचे बोलेंगे आप CUET? नीट ऑफ कोर्स वो टफ है, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस भी चला जाता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. CUET हमेशा ऑन द इजियर साइड रहेगा, मतलब नीट से बहुत ईजी आते हैं. हाँ. और JEE दिया था आपने? नहीं. चलो तो JEE का तो आपको नहीं मिला क्वेश्चन का. अब अपन इंग्लिश की बात करते हैं यार. इंग्लिश
कुछ बाहर से आता है, कितने मार्क्स आए थे आपके इंग्लिश में? मेरे इंग्लिश में 200 में से स्कोर था 184। तो आपने कैसे तैयारी की 184 आए एंड 16 नंबर और आने चाहिए थे? मेरे पूरे 200 थे, नॉर्मलाइजेशन में कट गए। अच्छा, मतलब आपने पूरे 200 आए थे? 200 ही थे मेरे। आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 184 हो गए? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो आपने कैसे तैयारी की थी? इंग्लिश के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया था, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं या फिर पहले कौन से किस तरह के क्वेश्चंस थे, मैंने देखा अनसीन पैसेज वगैरह आए हुए थे। अब अनसीन पैसेज की मैं कितनी प्रैक्टिस करूं, जब मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पे और बायो पे ज़्यादा फोकस करना था, तो मैंने उसको लाइटली लिया, ज़्यादा कुछ करा नहीं और बस आ गए। और कहीं से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ना या फिर ट्राई करना, मॉक्स में ट्राई किया जितना करना? हाँ, मैंने मॉक्स में ही करा था। बट अगर आप जो है ट्राई करना चाहते हो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ अनसीन पैसेज, ड्यूबडी ऐप पे जाकर के आप कर सकते हो। वहाँ पे मोर देन आपको 150 अनसीन पैसेज जो 2022 और 23 में पूछे गए हैं वो मिलेंगे, एंड साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के जो है मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। एंड अगर आपको ये मिल जाते तो आपके लिए कितना ईजी होता ये सारी चीज़ें एक जगह पे? हाँ, वो फिर काफ़ी अच्छा रहता मेरे लिए, ताकि मुझे पता चल जाता कि पैटर्न कैसा रह रहा है। ठीक है। सो वरुण, अब थोड़ा सा ना बच्चों को ये बताते हैं कि जब वो यहाँ आ जाएंगे ना, उनकी कॉलेज लाइफ कैसी होने वाली है। तो सबसे पहले आपने बताया कि हंसराज में बहुत सोसाइटीज़ हैं, तो भाई मतलब कितनी सोसाइटीज होंगी लगभग? 67 प्लस सोसाइटी है, तो जो भी चीज़ आप सोच सकोगे ना उसकी सोसाइटियाँ मिल जाएगी। मतलब अगर किसी को डांस करना है डांस की मिलेगी, किसी को गाना गाना है तो गाना गाने की, पढ़ना है, डिबेट है, हर चीज़ की सोसाइटी। हर चीज़ की सोसाइटी है। सोसाइटी क्या होती है, मतलब ये सीन क्या है सोसाइटी का? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जिसमें कोई भी हम जो भी चीज़ सोचते हैं, लाइक डांस है तो डांस के ऊपर आपको डांस सिखाया भी जाता है, आपका पैशन जो है उसको बिल्ड किया जाता है, और इसको आप आगे आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, हर जगह लेवल पर, मतलब जो आपका पैशन है, जो आप जिस चीज़ में आपको मजा आता है पढ़ाई के साथ साथ वो करते रहो, ये कुछ बच्चे मिलके एक ग्रुप में करते हैं। सो दिस इज ऑल सोसाइटी। काफ़ी लोगों को डाउट रहती है, बहुत सीखने को मिलता है अगर आप अच्छी सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। तो आप दो सोसाइटी में हो, कौन सी सोसाइटी? एक तो मेरी डिपार्टमेंट की सोसाइटी है, सृष्टि चेतना करके है, और एक एनवायरनमेंट सोसाइटी है हरिकिमा, मैं उन दो सोसाइटी में हूँ। सिलेक्शन कैसे हुआ था? पहले फॉर्म भरा जाता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद रिज्यूम वगैरह अगर किसी का होता है वो चेक करते हैं, और फिर फाइनल एक GD होता है, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब छोटी सी कॉर्पोरेट वाली फील दे देते हैं वो, क्योंकि आपको आगे लाइफ में कोई इंटरव्यू देना है तो वो कैसे देना है। तो देखिए, स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है ना लर्निंग की। अब हम दूसरी चीज़ जाने कि भाई सोसाइटी में आके तू एक्सट्रोवर्ट बना या फिर कुछ और फैक्टर्स थे जिन्होंने तेरे को एक्सट्रोवर्ट थोड़ा थोड़ा बनाया अभी, उसमें हेल्प की? सोसाइटी तो मैंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव सोसाइटी थी, मतलब मैं उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, तो मैं सोसाइटी को उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था, वो उसने मुझे बहुत हेल्प करी है। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप से भी आप सीख? हाँ बिल्कुल। तो अब दो बातें ऐसी हंसराज के बारे में जो बच्चों को यहाँ पे आके देखने को मिलने वाली हैं, महसूस करने को मिलने वाली हैं कि हंसराज अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा? एक तो ये शाहरुख खान का कॉलेज है, अलविश यादव का कॉलेज है, तो एक एटीट्यूड आ जाता है, गर्व आ जाता है कि कॉलेज तो बढ़िया है। और दूसरी चीज़ जो आपने हंसराज में बताना चाहते हो? दूसरी चीज़, यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर रमा मैम जो हैं, इतनी बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है ना कि उनके आगे संदीप मश्वरी भी फैल रहे हैं, तो आप कभी आओगे तो उनकी स्पीच जरूर सुन लो। तो चलिए भाई, जब आप यहाँ आओगे तो आपको ये दोनों चीज़ें महसूस करने को मिलेंगी। इस वार्तालाप को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। लेकिन यार, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। पहले तो हमें जैसे तैसे एंट्री लेनी पड़ी है हंसराज कॉलेज में, मतलब ये जैकेट बदल के, हंसराज की हुडी पहन के, उसके बाद गार्ड से चुप छाप के हमने एंट्री ली, इतने सारे लोग थे उसके बीच में, मेरे को एक वो हो जाता है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो कैसे शूट करूं, तो उन सारी चीज़ों को साइड किया, हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए हमारे चैनल ड्यूबडी पे आती रहेंगी। डिफरेंट कॉलेजेस में हमारे जो हैं साथी वो मौजूद हैं, एंड आपको हर एक कॉलेज के बारे में इस चैनल पे मिलने वाला है। सो अगर आप CUET दे रहे हो तो ड्यूबडी को सब्सक्राइब करना मत भूलो, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।